वेलकम टू स्टोन ट्यूशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ये जैनिज़्म है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, इंग्लिश के लिए ये एमबी पब्लिकेशन की दो किताबें हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो ये आप ले लीजिए। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में करके दिया हुआ है, बहुत ईजी रहेगा। ये 50-50 रुपये की हैं, तो आप लोग ले लीजिए इसको और इसको पूरा का पूरा याद कर जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जैनिज़्म। इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हैं, जो पहले हैं ऋषभदेव, जो कि इसके फाउंडर हैं जैनिज़्म के। इनका जो सिंबल है वो बुल माना जाता है। और बाकी की जो इसके बाद के हैं उनके बारे में कोई क्वेश्चन आता है और ना उसके बारे में बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी है, तो इसलिए उसको कंसिडर भी नहीं करते हैं या उसके बारे में पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है। तो फर्स्ट तीर्थंकर जो हैं वो ऋषभदेव हैं और उनका सिंबल बुल है, सिंबल भी ज़रूरी है। और जो 23rd है, मीन्स लास्ट सेकेंड जो हैं, 23rd तीर्थंकर जो हैं वो पार्श्वनाथ हैं, सरपेंट मतलब सांप, उनका जो सिंबल है वो सांप है। और जो लास्ट और 24th हैं महावीर हैं, इनका लॉयन है। तो जो फाउंडर हैं इसके जैनिज़्म के वो तो ऋषभदेव माने जाते हैं, लेकिन रियल फाउंडर इन द सेंस महावीर हैं। कहने का मतलब ये रियल फाउंडर कि महावीर के अंडर में ही जैनिज़्म जो है वो ज़्यादा फैला, लोगों में लोग इसको अडॉप्ट किए। उस वक्त ही महावीर के टाइम में ही जैनिज़्म जो है ये और फेमस हुआ। और ये सब ऋषभदेव बस क्या है कि फाउंडर थे। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। ऋषभदेव के बारे में, इनका जो बर्थ नेम है ये वर्धमान है, ओरिजिनल नेम जिसको कहते हैं वर्धमान है। ये 540 BC में पैदा हुए थे, बिहार विलेज है एक नियर वैशाली, वहाँ पे, जो कि बिहार में है। और इनके फादर का नाम सिद्धार्थ है, मदर त्रिशला और मामा चेतक, वाइफ इनकी यशोदा हैं और डॉटर प्रियदर्शिनी, और इनके दामाद सन इन लॉ जमाली, प्रियदर्शिनी के हस्बैंड। अब देखेंगे जो हम लोग बुद्धिज़्म में देखे थे सिमिलर वैसा ही है, उसमें बुद्ध को बेटा होता है, इसमें बेटी हैं। और इन वहाँ बुद्ध के का नाम सिद्धार्थ है, यहाँ इनके फादर का नाम सिद्धार्थ है, तो दोनों सेम नहीं हैं। तो ये दोनों साथ साथ सिमिलर हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के जो फैक्ट्स हैं, तो आप इसको साइड साइड रख के याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेम्स ऑफ वर्धमान आफ्टर अटेनिंग कैवल्य, कैवलिन परफेक्ट लर्न इनलाइटमेंट, जैसे उसमें पाते हैं वैसे इसमें कैवल की प्राप्ति होती है। बुद्धिज़्म में जो इनलाइटमेंट है मीन्स पूरा ज्ञान पा जाना, तो इसमें कैवल्य उसको कहते हैं। जैनिज़्म में तो कैवलिन, जितेंद्र, वन हु कंकर्ड हिज सेंसेस, अपने ज्ञानेंद्रियों पे इसका पूरा कंट्रोल हो गया हो, निर्ग्रंथ फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स, अरहंत ब्लेस्ड वन, महावीर ब्रेव, तो ये इनका नाम है। बुद्धिज़्म में भी उनका नाम दिया गया है बुद्ध को, ऐसे इसमें है। तो ये पूछता नहीं लेकिन बस ऐसे मैंने इंक्लूड कर दिया, बाकी ये फैक्ट्स आप जो ऊपर हैं वो याद कर लीजिएगा। और फाइव वोज ऑफ जैनिज़्म, शपथ कह सकते हैं, जैसे कि जो जैनिज़्म को अपनाता है उसको ये चीज़ें करनी होती हैं। इसमें क्या, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो ये जो शुरुआत के चार हैं ये पार्श्वनाथ दिए थे, और जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर इसमें ऐड कर दिए थे। तो ये उसके, जैसे कि कोई इसको अगर अपनाता है तो उसको ये सब चीज़ों को फॉलो करना होता है, जो भी जैन मॉन्क बनता है, जैन भिक्षु, तो उसको ये सब फॉलो करना होता है। और जैसे कि बुद्ध जो हैं अपना पहला सरमन दिए थे सारनाथ, वैसे इनका जो था फर्स्ट सरमन पावा, जो कि बिहार में है, एट हिज टू हिज 11 डिसाइपल्स नोन एज 11 मतलब गंधरस या गंधर्वस, उनको इस नाम से जाना जाता है। और वो पावापुरी में मर गए थे, जो कि बिहार में है। तो ये छोटा सा फैक्ट था महावीर के बारे में। और इसमें भी काउंसिल्स हुई हैं, जैसे बुद्धिज़्म में हुई थी चार, ऐसे इसमें दो हुई हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य और एक और कोई पैटर्न है जो कराया था। तो एक की कैपिटल वही होती है पाटलिपुत्र, एक की दूसरी है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें, काउंसिल इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना पूछता है इससे। तो इसमें इतना ही है, आप इसको लिखिए और रिवाइज़ कर लीजिए और वो किताब आप ख़रीद लीजिए इडियम्स के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।